मेरे पत्नी आपकी वाइफ हाँ कहाँ है वो? ले गए इसमें डेथ हो गई। हाँ डेथ हो गई। तो किनके साथ आई थी? गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गांव की। हमारी बेटी हुई आई जब तो सुरक्षित पहुँच गई घर। नहीं वो जो तीनों खत्म है गई जी। बिटिया मेरी सुरक्षित पहुँच गई घर। बस तीन कौन कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ हाँ और एक चाची लगती पड़ोस की। हाँ पड़ोस की और एक बहन जी लगा थी वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे मैंने मत आई तू मैंने के 2 दिन पहले गई ही मैंने के और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओ कैसे नहीं मानी बेटा आओ मेरे मुँह पर झज्जरा पड़ोगे तुम कहाँ का गर्व करते जान दो कहीं और चुप पड़ोगे लूँ आई आवन नहीं दी तो भाई मान जाती मतलब हूँ ज्यादा इलाज करते तो मान जाती है ऐसी वो नहीं बुकती पर बेटे की वजह से माने को हूँ मैंने क्या वजह वो कर रहा हो जाएगी तो मैं जान लूँ। तो बाबा आपकी बेटी की तबीयत ठीक है? हाँ बेटी तो सुरक्षित है वो शादीशुदा है। शादी हाँ बिल्कुल ठीक। तो बाबा जी एक बात और कि ये जो बाबा है जिनको मानते हैं लोग कोई बाबा नहीं है ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो तो इतना तंगड़ो और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि कहा रहो मैं पीछे मैं आगे आगे जा रहे कर गए और पीठ पीछे मतलब जनता कुचिंत चली आ रही है मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो बिना गाय है यादी मांगी में साथ देते हुए सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। बाबा आप भी कभी गए उनके साथ? मैं तो वही पास में ही आए गाँव के में तभी एक बार गो बस फिर मैं ना गई माऊ गई भैया मेरी तो सब लुटुआ गया तो भैया कचू ना बचो। कौन कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी घरवाली और मेरी लाली मेरी तीनों लाली तीनों एक ही लाली है 3 लोग। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं मेरी बेटी गई है इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी। मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नहीं किसी के चोट नहीं है बिल्कुल भी नहीं किसी का हाथ टूटा है नहीं पैर टूटा है किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी की उम्र? 16-17 साल की है। खत्म हो गई? हाँ। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी 10वीं में आई थी मेरे साथ आती थी हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुँची? हाँ अस्पताल ठीक मैं बता तो रही हूँ आपको अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुँची थी मेरी बेटी तो। बाबा यहाँ और कौन है मेरे पिताजी दीदी आए थे दीदी बड़ी 35 साल। तो क्या बाबा ने इंतजाम किया थे व्यवस्था थी वहाँ पर सुनने की? भीड़ थी ऐसी बाबा यहाँ बाबा की वैसे जान गई है। तो 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुके हैं और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनके आवास में पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, इसलिए पूरी मदद भी की जा रही। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेमलता, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस समय प्रयास यही है कि शीघ्र इन बॉडी को पोस्टमार्टम करके हम लोग इनके आवास में भेज पाएँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।